सभी पशु प्रेमी भाइयों को सुरेंद्र सिंह की तरफ से नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेयरी फार्म पर। दोस्तों आज एक भैंस की वीडियो लेके आए हैं अपने इधर से। एक बार मैं अपना एड्रेस आपको बता देता हूँ, हमारा गांव बिठमड़ा है, डिस्ट्रिक्ट हिसार, तहसील उकलाणा, मंडी और हरियाणा के अंतर्गत हमारा गाँव आता है। लगभग टोहाना, बरवाला और नरवाणा से 20-20 किलोमीटर की दूरी पे हमारा गांव है और हमारे पास भैंस है। ये हमारे घर की नहीं है, लेके आए हैं हम, जिस भाई से ली है उन्होंने बताया भाई चौथे ब्यांत में है, लेकिन हमने पांचवें ब्यांत की मान के भैंस को लिया है। और भैंस ने इसने दूसरे ब्यांत में HLDB में रिकॉर्ड करवाया था 19 किलो 430 ग्राम, जिसका इसके कान में टैग भी लगा हुआ है। और भैंस का एक सींग तो दूसरे ब्यांत में ही टूट लिया था और एक सींग अब टूट गया कुछ दिन पहले, अभी ठीक है। लगभग ये जब प्रेग्नेंट थी 4-5 महीने की उन्होंने बताया भाई तब टूट गया था। और अभी ये आज लगभग एक हफ्ते के आसपास ब्याई है, नीचे इसके कटड़ी है और दूध इसमें अभी 12 से 13 किलो है, 13 के समथिंग दूध है अभी तैयार। और हम मैं आपको 12 ही कहूँगा, चुवाई की अच्छी है भैंस, थोड़ी सी मजबूत चुवाई की है, जैसे बोलते हैं हम, थोड़ा पाउस टाइट है, दार करड़ी नहीं है। और जो क्वालिटी है भैंस की अच्छी है, एक थन की अगले की मामूली सी थोड़ी सी दार है जो फटती है, बनाने वाला बंदा बना भी सकता है, लेकिन आगे आगे वाले जो थन है हम कटड़ी को पिला रहे हैं भैंस के। और दूध की भैंस है बहुत बढ़िया, दूसरे ब्यांत में ही रिकॉर्ड करवाया गया दूध इसका, तीसरे ब्यांत में भी नहीं करवा सके किन्हीं कारणों से, जिससे हमने लिए उन्होंने बताया भाई उसमें भी तीसरे में भी ये 20-20.5 किलो दूध पे एक बार चली गई थी। और चौथे ब्यांत में ये कोई अपने रिश्तेदार को उन्होंने दे दी, उनके पास केयर नहीं हुई। पहले तो वो बोल रहे थे भाई चौथे ही ब्यांत की है, चौथे ही ब्यांत की, फिर उनकी बातों से पता चल गया भैंस पांचवें ब्यांत की है अभी तसल्ली की। और अब हमारे पास आई है ये, कुछ ही दिन हुए है इसको आई को। और भैंस खाने पीने की अच्छी है, उम्मीद है भैंस की दूध पे भाई 20 पे ना जाने की, लेकिन 16 किलो 15 किलो दूध की मेरे विचार है, मेरे पास भैंस चली जाएगी। और नीचे इसके कटड़ी है, देखिए बहुत सुंदर है कटड़ी भी, भैंस बिल्कुल जेड ब्लैक है और कटड़ी की पूंछ थोड़ी सी सफेद है, ये सिमन की ही है। इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, अगर कोई भाई आगे जानने का इच्छुक होगा कटड़ी के बारे में ज्यादा डिटेल तो इसके पिछले ओनर से पूछ के हम आपको क्लियर कर भी देंगे। बहुत अच्छी कटड़ी है ये भी। और आगे आगे वाले थन हम इसको पिला रहे हैं अभी, क्योंकि नवजात बच्चा होता है जो जब तक फीड वगैरह नहीं खाने लगता तब उसको अपनी माँ के दूध की ज्यादा जरूरत होती है। और अच्छी भैंस है, और अगर इसकी बात की जाए क्वालिटी की तो दूध से भी उन्होंने कुछ दिन पहले ही छोड़ी थी। और बच्चे लेने की भैंस अच्छी, पीछे इसने जैसा उन भाइयों ने हमें बताया भाई इसने कटड़ी ही दी है सभी की सभी, और इस बार भी कटड़ी है भैंस, ब्रीडिंग के लायक है, अच्छी भैंस है। पीठ पुट्ठे की चौड़ाई की लेंथ बहुत अच्छी है भैंस की, ऊंचाई भी अच्छी है और स्वभाव भी शांत है, पतली चमड़ी की, अडर के ऊपर नसें हैं और अडर भी बहुत बढ़िया है। ये वीडियो मिल्किंग से लगभग 1-1.5 घंटे पहले का हमने बनाया हुआ है और साफ सुथरी भैंस है, सींग वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं। जो भाई ज्यादा दूध बेचने का काम करते हैं साथ में अपने लिमिट के बजट से ब्रीडिंग में करना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट है भैंस। और जो कीमत की अगर बात की जाए भैंस की तो 80,000 रुपये कीमत है भैंस की देने की, जो भाई इच्छुक हो संपर्क हमसे कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने क्लियर बता दी चुवाई वगैरह की, वो इसलिए बता देते हैं, जो भी माइनस या प्लस पॉइंट होता है इस कारण से, क्योंकि वीडियो देख के ही अकाउंट में पैसा लगवा देते हैं और पशु मंगवा लेते हैं इसलिए। और अगर दूध के मामले में किसी भाई को संदेह हो तो 2015-16 में इसका दूध रिकॉर्ड हुआ था, इसके टैगिंग भी है, आप अपने हिसाब से तसल्ली भी कर सकते हैं। 2015 के लास्ट में इसकी मिल्किंग स्टार्टिंग हुई थी, वो उसी टाइम में आई थी।